एक ऐसा कमांडो जिसने भारत को कारगिल में पहली सफलता दिलाई थी, 5 गोली खाकर भी 48 दुश्मनों को मार गिराया था। और तो और पाकिस्तानी कमांडर अनवर खान की मुंडी काटकर उसी की बॉडी में तिरंगा गाड़ दिया। इस समय था 1999 का, जब पाकिस्तानियों ने कारगिल के टुरुलिंग पहाड़ी की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इस चोटी को कब्जा करने के लिए भारत की 3 बटालियन भेजी गयी, मगर अफसोस इसमें हमारे 68 जवान शहीद हो गए। तब वहाँ से 300 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में मौजूद राजपूताना राइफल्स के पलटन को बुलाया गया। इसी पलटन में था वो शेर कमांडो दिगेंद्र कुमार, जिन्होंने अपने चीफ से कहा, हम टोरोलिंग पर फतेह जरूर करेंगे, और अपने अन्य 9 साथियों के साथ निकल पड़े। और करीब 7-8 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दिगेंद्र उस चोटी पर पहुंच ही गए। ऊपर जाकर देखा तो पाकिस्तान के 10 बंकर मौजूद थे। उस पूरी रात लड़ाई छिड़ी रही और धीरे धीरे हमारे 8 कमांडो शहीद हो गए। लेकिन तब तक पाकिस्तानियों के बंकर तबाह हो चुके थे और उनके 48 सैनिक भी मारे जा चुके थे। लास्ट में दिगेंद्र का सामना पाकिस्तानी कमांडर अनवर खान से हुआ, जिसका सर काट कर दिगेंद्र ने उसी की गर्दन में तिरंगा फहरा दिया। और इस प्रकार कारगिल में भारत की पहली जीत हुई थी।